लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम मैं एक बार ही दोबारा से यहाँ पे बना के बता रही हूँ, क्योंकि विदाउट स्केल हमने एग्जाम्स में बनाना होता है, तो इसलिए आपने किस तरह से उसको टिप्स आपके पास होने चाहिए, किस तरह से आप इसको इजी वे में बना सकते हो, ठीक है, कैसे मेमोराइज कर सकते हो और कैसे उसको प्रेजेंट कर सकते हो। पहले आपने दो एक्सिस बना ली, ऊपर नीचे ही होनी चाहिए। आप चाहो तो सेम एक्सिस पर भी टीपी एमपी कर्व दोनों बन सकते हैं, ठीक है, मैं सेपरेटली बना रही हूँ। उसके बाद आपने पूरे डायग्राम को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देनी, लाइंस लगा देनी है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। दिस वुड रिफ्लेक्ट फर्स्ट स्टेज, दिस वुड रिफ्लेक्ट सेकंड स्टेज एंड दिस वुड रिफ्लेक्ट थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपने ओरिजिन से स्टार्ट करना है टीपी कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग होगा और कॉन्वेक्स बनाना है। फर्स्ट स्टेज में क्या बनाना है? कॉन्वेक्स। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन, अपवर्ड स्लोपिंग, कॉन्वेक्स। सेकंड स्टेज में अपवर्ड स्लोपिंग बनाना है, कनकेव बनाना है, ठीक है, उसके ऑपोजिट हो गया ये टॉप तक पहुंच गया। उसके बाद थर्ड स्टेज में इसको कैसे बनाना है? फॉलिंग बनाना। सो दिस इज योर टीपी कर्व, याद रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स, अपवर्ड स्लोपिंग कनकेव, फॉलिंग। एमपी कर्व देखिए, स्टॉप इट, हु इज टॉकिंग? फर्स्ट स्टेज में ओरिजिन से नहीं स्टार्ट करना, हमने अपवर्ड स्लोपिंग बनाना है, स्ट्रेट लाइन बनाना है, और फर्स्ट लाइन में आपने इसको मैक्सिमम पर आकर छोड़ देना है। सेकेंड स्टेज में डाउनवर्ड स्लोपिंग बनाना है और यहां पे ओरिजिन तक लाके छोड़ देना। थर्ड स्टेज में इसको और नीचे तक, आर्यन स्टॉपिच, स्टॉप, दैट्स इट, यू नो व्हाट आई एम रेफरिंग टू। दिस इज एमपी कर्व, ठीक है, दिस इज हाउ वी मेक डायग्राम ऑफ टीपी एंड एमपी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, इसकी तीन स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज इज टिल ओ एल वर्कर्स आर employed. In this stage, TP increases at increasing rate. MP increases and become maximum. Thereafter starts second stage. Second stage lasts till OL1 units of variable factor are employed. In this stage, TP increases at, in the second stage, MP starts falling and becomes zero. Thereafter starts the third stage. In the third stage, TP starts and MP becomes negative. ठीक है? Stage one is referred to as stage of increasing returns. Stage two is referred to as stage of diminishing returns. Stage three is referred to as stage of negative returns. Now, what are the reasons for these stages? Why it so happens? मैंने जब स्टार्ट किया था ये चैप्टर, मैंने तभी आपको बोला था कि आप मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे कि जब हमने एक लैंड के ऊपर एक वर्कर लगाया है और हमारी आउटपुट 2 quintals ऑफ वीट है, 2 वर्कर्स लगाने पर ये 4, 3 लगाने पर 6, 4 लगाने पर 8, ऐसे क्यों नहीं हो रही? आता है ये क्वेश्चन माइंड में? हमारा जो एक्चुअल बिहेवियर, जो हमारा टीपी शो करता है, यानी रियलिटी में जब एक फार्मर लैंड के ऊपर वर्कर्स
का नंबर बढ़ाता जाता है, डोजेस बढ़ाता जाता है, तो टोटल आउटपुट एक वर्कर के लगाने पर अगर 2 है तो 2 लगाने पर वो कितनी हो जाती है, 5, फिर 9, फिर 12, 14, 15, ठीक है। यानी इनिशियली ये जो वर्कर है ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3 क्विंटल्स, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 3, ये 4, फिर 3, 2, 1, 0 एंड माइनस। यानी पहले हमारी आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है, फिर हमारी आउटपुट डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ती है, फिर हमारी आउटपुट गिरने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल द रीजंस फॉर फर्स्ट स्टेज, यानी व्हाई डू टोटल आउटपुट इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, दैट इज व्हाई डू वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स। हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, क्यों पहला वर्कर 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है तो दूसरे ने 3 कंट्रीब्यूट किया, तीसरे ने 4 क्विंटल प्रोडक्शन बढ़ाई आके। हमने एक अजम्पशन ली थी ऑल यूनिट्स आर होमोजीनियस, ऐसा नहीं है कि सेकंड वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है फर्स्ट से, थर्ड सेकंड से ज्यादा एफिशिएंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर ऐसी क्या बात है कि पहले हमारी आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ रही है फिर डिमिनिशिंग पे बढ़ रही है। सो लेट अस एनालाइज द रीजंस। सी, जब एक एकड़ लैंड है, जिसको नहीं सुनना वो बाहर जा सकते हैं, डोर्स आर ओपन, यू आर फ्री टू मूव आउट, डोंट डिस्टर्ब द क्लास और इवन मी। व्हेन वन एकर लैंड, वन वर्कर इज एम्प्लॉयड ऑन वन एकर ऑफ लैंड, दैट लैंड इज अनयूटिलाइज्ड, इट इज नॉट फुली यूटिलाइज्ड। एक एकर लैंड के ऊपर एक वर्कर काम कर रहा है तो वो एक एकर लैंड फुली यूटिलाइज नहीं हो रहा, वो अंडर यूटिलाइज्ड है, isn't it? अंडर यूटिलाइज्ड है ना, गेटिंग माई पॉइंट और नॉट बेटे? यस और नो तो आपने बोलनी है, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन अगेन। देयर इज वन बिग पीस ऑफ लैंड and on this land only one worker is working, he is not able to fully utilize the land, is he? So when we employ, jab humne usko ek aur insaan labor kaam karne ko de diya, land gets effectively utilized, but still 2 people are insufficient to work on 1 acre of land. Humne ek aur worker de diya, और अच्छे से यूटिलाइज हो गया, तो जब पहले लैंड अंडर यूटिलाइज था तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो आउटपुट जनरेट हो रही थी, प्रोडक्शन हो रही थी, वो कम थी। अब वो लैंड के ऊपर हमने वेरिएबल फैक्टर की डोजेस बढ़ा दी, लेबर ज्यादा आ गई। अब बेटे एक बड़ी सी बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन करनी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, ठीक है, इसके ऊपर एक वर्कर काम लगा हुआ है, वो बेचारा कितना कर पाएगा, कर पाएगा? एक और वर्कर काम दे दिया, काम थोड़ा तेजी से बढ़ेगा, और वर्कर दे दिया, काम और तेजी से बढ़ेगा। सो सिंपल, अर्लियर लैंड वॉज अंडर यूटिलाइज्ड, बाय एम्प्लॉइंग मोर डोजेस द लैंड गेट्स इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड, सो वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, हमारी आउटपुट बढ़ने लग गई। किस रेट पे? इंक्रीजिंग रेट पे। कारण, पहले कम वर्कर इंप्लॉयड थे तो हमारा फिक्स्ड फैक्टर अंडर यूटिलाइज्ड था, अब और वर्कर दे दिए, हमारा फिक्स्ड फैक्टर इफेक्टिवली यूटिलाइज होने लग गया, सो वी गेट इंक्रीजिंग रिटर्न्स, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग।
दो और दो 11, सुना है? सॉरी, एक और एक 11, मतलब व्हेन यू गेट सम सपोर्ट योर आउटपुट इंक्रीजेस, इजंट इट? ऑल राइट, वन रीजन इज दिस. एनदर रीजन, व्हेन ओनली वन वर्कर इज एम्प्लॉयड ऑन होल लैंड, ही हैज टू डू होल ऑफ द वर्क, सारे काम उसको खुद करने पड़ेंगे. डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट यहां पे यूज नहीं होगा. आपको पता है व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? व्हेन वी डिवाइड प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स इन सच अ वे दैट वन ग्रुप ऑफ वर्कर इज टू डू वन स्पेशलाइज्ड वर्क एवरी डे. सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, एक टेलर है, एक मशीन है उसके पास, ठीक है, वो गारमेंट स्टिच करता है. बिकॉज ही इज द ओनली वर्कर, ही विल टेक द मेजरमेंट, ही विल कट द गारमेंट, ही विल स्टिच द गारमेंट, he will do buttoning and hemming of the garment, ironing of the garment, packing of the garment. When he does all this work, at the most his output for the whole day will be say 2 shirts. Din mein wo 2 shirts bana payega. From scratch usko hi sab kuch karna pad raha hai. Theek hai, humne 1, 2, 3 aur worker employ kar diye to kya hoga? वो अपने प्रोसेस को डिवाइड कर देगा. वो एक वर्कर को कहेगा कि भाई तूने सारा टाइम क्या करना है, गारमेंट की कटिंग करनी है, मेजरमेंट लगा के उसको कट करना है सारा दिन तुम्हें. दिस इज योर जॉब फॉर होल ऑफ द डे, टेक अ गारमेंट, उसकी मेजरमेंट लो, उसको कट कर दो अकॉर्डिंग टू साइज. दूसरे को बोला ये तेरे को जो गारमेंट देगा कट करके तूने इसको स्टिच करना, ठीक है. तीसरे को बोला तूने इसकी हेमिंग और बटनिंग करनी है, और चौथे को बोला तूने आयरनिंग करके इसकी पैकिंग करनी है. आप मुझे बताओ दिन में एक अंदाजा है ना, कितने को मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो सकती है? 15-20. तो ऑन एन एवरेज एक वर्कर ने, अगर हम कहें 20, 4 वर्कर है, ऑन एन एवरेज हर वर्कर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 5. ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले एक वर्कर 2 बना रहा था. दिस हैज बिकम पॉसिबल बाय मेकिंग यूज ऑफ द कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ लेबर. अब क्योंकि इसने सारा दिन सिर्फ कटिंग करनी है, ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड. और अगर पहले दिन वो 4 शर्ट्स काटता था, अगले दिन 5 भी कर पाएगा, 6 भी कर पाएगा, 7 भी कर पाएगा. उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी क्योंकि वो एक काम में स्पेशलिस्ट हो जाएगा. सेम इज द केस हियर. यस, ये डिवीजन ऑफ लेबर, इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर से आउटपुट बढ़ती है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. बट डिवीजन ऑफ लेबर कैसे पॉसिबल है? क्या एक वर्कर में डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल थी? 2 में पॉसिबल हो पाई टू सम एक्सटेंट, 3 में और ज्यादा हो पाई. सो जब हमने ज्यादा से ज्यादा वर्कर इंप्लॉय करने शुरू किए, डिवीजन ऑफ लेबर बिकेम पॉसिबल. एज अ रिजल्ट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, दैट इज वी गॉट increasing returns to factor. अब समझ में आया? अब ऐसा कोई क्वेश्चन कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 होना चाहिए था? नहीं, आउटपुट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगी. क्यों? एक, हमारा फिक्स फैक्टर इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहा है, दूसरा हमारा वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहा है, तो डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल हो रही है. इज इट क्लियर? These 2 reasons are sufficient. 1 more reason is there, but 2 reasons are sufficient for you.
ठीक है, बट देन व्हाट हैपेंड आफ्टर फोर्थ वर्कर इज इंप्लॉयड? अब आप बोलो मैम ये तो अच्छा यूज हो ही जाएगा तो हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही मिलनी चाहिए। नहीं, एक स्टेज ऐसी आएगी जब आउटपुट बढ़ेगी तो सही बट डिमिनिशिंग रेट पे, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग। ऐसा कब होगा बेटे? ये जो लैंड है हम क्या कर रहे हैं, हम एक आउटपुट बढ़ाने के लिए एक फैक्टर को फिक्स्ड रख रहे हैं, दूसरे को बढ़ाई जा रहे हैं। यानी ये पहले एक के ऊपर एक वर्कर काम कर रहा था, एक लैंड के ऊपर दो कर रहे हैं, फिर तीन कर रहे हैं, फिर चार, फिर पांच। दिस इज अ फिक्स्ड फैक्टर, इट विल टेंड टू डेप्रिशिएट और नॉट? फिक्स्ड फैक्टर टेंड टू डेप्रिशिएट, वियर एंड टियर होगी उसकी। तो जब फिक्स्ड फैक्टर ओवर यूटिलाइज हो जाएगा यानी उसकी डेप्रिसिएशन होगी तो आउटपुट बढ़ेगी बट एट डिमिनिशिंग रेट, बिकॉज दिस इज अ फिक्स्ड फैक्टर, इट इज सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर। आपके पास एक एक्टिवा है, आप खुद चलाते हो उसको, तो उसकी माइलेज अच्छी है, उसकी मेंटेनेंस भी अच्छी है, स्मूथ चलता है। उसके बाद आपका ब्रदर बड़ा हुआ, उसने भी चलाना शुरू कर दिया, ठीक है, और भी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी चलाना शुरू कर दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो वियर एंड टियर होना शुरू हो गया, तो अब उसकी माइलेज या उसकी ड्राइव में फर्क पड़ेगा या नहीं? फिक्स्ड फैक्टर इज सब्जेक्ट टू वियर एंड टियर। तो आप उस फिक्स्ड फैक्टर से पहले ज्यादा आउटपुट निकाल पाते थे, अब आप उससे इतनी आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। सो व्हाट विल हैपन? लैंड की फर्टिलिटी कम होती है बेटे। क्यों नहीं कम होती? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंड की फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप उसकी उसकी क्वालिटी कम हो रही, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल स्टार्ट डिमिनिशिंग। क्लियर है? क्या हो गया? कुछ भी सुनने को मन नहीं करता आप लोगों का? ओके, सो अनदर रीजन इज पुअर कोऑर्डिनेशन। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन के ऊपर चार, फिर पांच, फिर छह, फिर सात। बेटे एक ऑप्टिमम कोऑर्डिनेट, एक ऑप्टिमम रेशो होती है फिक्स्ड और वेरिएबल की। जब वो ऑप्टिमम रेशो को हम डिस्टर्ब कर देते हैं, जैसे मैंने कहा एक चार्ट पेपर को मैंने बनाने के लिए तीन बच्चों को दे दिया, वो एक ऑप्टिमम रेशो, आपने कहा मैम बस एक जना टाइटल लिख देगा, एक ड्रॉ कर देगा, एक मैं कलर कर दूंगी, हमें और कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं नहीं बहुत, ये फ्री बैठे हैं, आप इनको भी इन्वॉल्व करो, इनको भी इन्वॉल्व करो। उन्होंने क्या किया, आपको आके बातों में लगा दिया। अब आपकी आउटपुट क्या होगी? डिमिनिशिंग रेट पे बढ़, आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिमम रेशो थी वो 1:3 थी। जब आपने 4 वर्कर, 5 वर्कर, 6 वर्कर लगा दिए, वो ऑप्टिमम रेशो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है। तो जो कोऑर्डिनेशन थी उनके बीच में वो पुअर होने लग गई। ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, ठीक है। सो दिस इज द रीजन व्हाई आफ्टर सम टाइम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, ठीक है। ये रीजंस हो गए। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि अभी एमसीक्यू बेस्ड तो है नहीं है, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो लिख लीजिए सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन दिस चैप्टर। वन, ऐसा नहीं है कि जो मैं क्वेश्चंस लिखवा रही हूँ वही आने, सिर्फ कुछ लिखवा रही हूँ कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे इसको आपने लिखना है। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए
आपको उसने कुछ नहीं बताया कि शेड्यूल से बताना है या डायग्राम से बताना है, तो इट्स अप टू यू। मैं हमेशा ये रिकमेंड करती हूँ कि आप डायग्राम बनाइए। देखो मेरे साथ साथ बना लो, रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। जब भी डायग्राम बनाना है, एमपी एपी कर्व्स बनाने हैं, जो कर्व्स बनाने वो वाई एक्सिस पर और इधर वेरिएबल फैक्टर। जब भी एवरेज और मार्जिनल का रिलेशन आएगा, आगे भी आने हैं, कॉस्ट में आना है, रिटर्न्स में आना है, ठीक है। जब भी रिलेशन आता है, सबसे पहले एवरेज, एम पहले आता है या ए, तो हमने ए वाला कर्व बनाना है, दैट इज एपी कर्व। तो एपी कर्व ऐसा होता है, दिस इज द शेप ऑफ एपी कर्व, ठीक है। इन्वर्टेड यू बनाओ बेटे, साथ में बनाओगे तो पता चलेगा। एमसीक्यू नहीं आने क्या, आप सिर्फ देखते रहोगे टीचर को? आपने पेपर डाला, आपको पता है बेटे, और एमसीक्यू के लिए नॉलेज की तो जरूरत ही नहीं है। ये जो 3 नंबर पक्के करके बैठे हो, किसी ना किसी से तो पूछोगे ना, सो समवन हैज टू प्रिपेयर टू टेल यू। एपी का सेम शेप होती है, लेकिन यहां पर आपने ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, यहां पे पॉइंट लगा लो, एमपी पॉइंट इसको कट करता हुआ जाता है, ठीक है। अभी तक क्या याद रखा? सबसे पहले एपी कर्व बनाना है, इन्वर्टेड यू, उसके मैक्सिमम पे पॉइंट लगा दिया। अब दूसरी बात क्या याद रखनी, बाकी सब कुछ नहीं याद रखने की जरूरत, एमपी कर्व एपी के ऊपर होगा स्टार्ट, ठीक है। शेप सेम है तो इसके ऊपर से स्टार्ट होगा, तो देखो ये कैसे बनेगा, सेम शेप, तो कहीं ना कहीं इसको टर्न करोगे और इसको यहां से काट के जाना है, ये ऐसे आएगा ऑटोमेटिकली, एक्सिस को कट करेगा, नीचे तक जाएगा, अपने आप बन गया। आपको नहीं बनाने की जरूरत, एमपी बना लिया, आपकी शायद बोर्ड ही कहीं उधर लगा हुआ है। हाँ, तो रिलेशन क्या है, सो लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी राइजेस। क्या बताया था, एमपी, मैंने कैसे लर्न करवाया था, कुछ नहीं यार, जब तक एमपी मम्मी पापा हमारे ऊपर हैं, हम राइज करते हैं, सो लॉन्ग एज एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एपी राइजेस। व्हेन एमपी इज लेस देन एपी, एपी फॉल्स। व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एमपी बिकम्स इक्वल टू एपी। एपी कैन बी, सॉरी, एमपी कैन बी जीरो और नेगेटिव, एपी कीप्स ऑन फॉलिंग बट इज नेवर जीरो और नेगेटिव। सेकेंड क्वेश्चन, रिलेशनशिप बिटवीन पीपी एंड एमपी, जल्दी जल्दी लिखो, रिलेशनशिप बिटवीन, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एंड एमपी। अगेन, अगर उसने कहा शेड्यूल तो शेड्यूल से समझा दो, अगर उसने कहा कर्व्स तो कर्व से, कुछ नहीं पूछा तो योर चॉइस। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस डिस्कसिंग इट्स डिफरेंट स्टेजेस, discussing
इट्स डिफरेंट स्टेजेस। अगर उसने कहा विद द हेल्प ऑफ पीपीएमपी शेड्यूल तो शेड्यूल, अगर उसने कहा विद द हेल्प ऑफ पीपीएमपी कर्व्स तो ओनली डायग्राम, अगर उसने कुछ नहीं कहा तो आपको इनमें से एक ही चीज या शेड्यूल या डायग्राम, दोनों चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि आप तो एमसीक्यू के आदि हो, अगर ऐसा क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ जाए तो कैसे बताना है, लिखो सबसे पहले मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वीपी, मीनिंग ऑफ, डोंट यू नो हाउ टू सिट स्ट्रेट, मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ वीपी, एजम्पशंस, मीनिंग करने देने के बाद 4 एजम्पशंस, फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले लिखना है सपोज देयर इज अ फार्मर हैविंग 1 acre लैंड एंड ही इज प्रोड्यूसिंग वीट ऑन हिज लैंड, फॉलोइंग इज हिज टीपीएमपी शेड्यूल। पूरा टेबल अगर शेड्यूल से देना है तो पूरा टेबल, कौन से कॉलम्स है उसके, पहला कॉलम देखो, दूसरा कॉलम और चौथा स्टेजेस। इसके बाद स्टेजेस, फिर तीनों स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर विद कर्व्स तो डायग्राम, फिर उसकी तीनों स्टेजेस। क्लियर? एक और क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन एक्सप्लेन द इफेक्ट, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट व्हेन ओनली 1 input is increased, explain the effect on total output when only 1 input is increased, other remains constant। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा अगर एक ही इनपुट बढ़ाते हैं दूसरा सेम रहता है, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करना है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, व्हेन ओनली 1 input इज इंक्रीज्ड अदर रिमेन कांस्टेंट, टोटल आउटपुट एट फर्स्ट इंक्रीजेस एट देन एट ultimately it starts, this is given the name of law, फिर assumptions, फिर उसकी explanation। मतलब answer same है, question different है। Getting my point? So that's all for today, this chapter is over।